नॉर्मल डेथ नहीं होगी, तू खत्म कर इसे, इसे मार डाल मेरे बेटे, मार इसे, मार डाल मेरे बेटे, इसे मार, मार डाल, मार डाल, मार डाल, पूजा कराऊंगा, बस बस बस। अरे उसके बाद तो गृहस्थी से रिटायर। आए हाय, बड़े हो गृहस्थ बनने, जिंदगी भर 420 करते रहे। हाँ हाँ बस बस। अरे 420 के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। अरे अब तो 420 से भी रिटायर हो जाऊंगा। अरे नाना, अब उठे बड़ू, कितना भगवान है तू, फोर्थ पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है। अरे सोने की चिल्लाना बंद भी करो, सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा शुरू कर दिया। जी कौन से महीने में? पूस में। कितनी ठंड पड़ेगी ना पूस में। बिल्कुल, बड़ी होशियारी से रहना, ये चलना फिरना एकदम बंद, वो कमर पर रखकर घड़ा भरना तो एकदम स्टॉप। अरे पैर स्लिप कर सकता है, ऐसी जगहों पे कदम भी मत रखना, वो हॉर्लिक्स पियो, चलाए जाओ चलाए जाओ। क्या बात है जी, खूब तड़ी मार रहे हो, उस वक्त इतने पैसे लगेंगे, कुछ एहसास है उस खर्चे का? अरे सब ख्याल है मुझे, मुझे क्या तुमने ऐसा वैसा पति समझ रखा है। अरे हर महीने 2000 का पेंशन नहीं है वो, उसमें से 250 रुपए हमेशा बचा के रखता हूँ। बस ठीक समय तुम्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा के मैं बम बम महादेव बम 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 ये आज बछड़ा कुछ पूछ रहा था, ज्यादा पूरा पानी कर रहा है। अरे अब इतने दिन में तो मेरी नैया पार लगी है नाना। लग गई पार, चलो शुक्र है, अब मैं इत्मीनान से छुट्टी ले सकता हूँ। अब ये पुरानी हफनी और कितने दिन तक रोके रखूँ? अरे अगली पूछ को तुम्हारे घर चांद का टुकड़ा आ रहा है नाना। क्या चांद का टुकड़ा? हाँ तुम्हारा पड़पोता नाना। हराम चौधरी अहमद, ये खबर सुनाने के लिए तुमने मुझे बुलाया? अरे वाह, ऐसा गुंडे हो तुम। अरे कद्दू के, अगर मैं पूछ तक रहूंगा तभी तो तुम्हारे कब्जे में ये घर रहेगा और तुम अपने चांद के टुकड़े को गोद में लेकर टाटा करोगे। रहता ही जाऊं, तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया, इसी बीच कोई अपना काम जुटा कर तुम लोग अपने ठिकाने लग जाओगे और मैं अपने ठिकाने। सो काम के नाम पर तुमने एक कर्म करके रखा, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और एक गुड़ खिलाए। 6 महीने, बस 6 महीने का टाइम है, दे दो नाना। 6 महीने? हाँ, पूछ पूछ की बात एक दिन के लिए भी नहीं कहूंगा। अबे तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश, मेरी बेइज्जती कोई ठिकाना ना रहा। आज मरूंगा नहीं कल मरूंगा, करते करते बार बार उस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ता है। भला आदमी क्या सोचता होगा, दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। हरामी, आदमी को मौत क्यों लेकर तू खिलवाड़ कर रहा है? एक पल भी समय नहीं दूंगा, आधा भी नहीं, पौना सेकंड भी समय नहीं दूंगा आज। अरे तुम्हारा बाप भी देगा, समझते ही नहीं। अरे अगर इस समय तुम आंखें पलटोगे तो पद्मा बिचारी कितनी मुसीबत में पड़ जाएगी, उस पेड़ के नीचे जाकर पड़े रहने के सिवा भला क्या चारा होगा हमारे पास? ठीक है, वहीं पेड़ के नीचे तेरा चांद का टुकड़ा आएगा। सर्दी गर्मी बरसात पूर्णमासी के चांद पर रैकेट की तरह टाय टाय करेगा। चुप करो, फिर आप शकुन पकोगे तो मुंह सिल दूंगी तुम्हारा। ये लो पियो। बड़ी हिम्मत होती जा रही है। और नहीं तो क्या कहना है तो अपने तोते को बोलो। हाँ मुझसे बोलो। मेरे बच्चे को कुछ कहा तो देख लेना। अरे एकदम गला दांतों में। चलो पियो। हॉर्लिक्स? अरे ये जी हॉर्लिक्स तो तुम्हारे लिए था। मुझे जरूरत नहीं है, जिसे है वही पिए, मुंह खोलो। अरे अरे ये दवा भी तुम्हारी है। मैंने बोला ना मुझे जरूरत नहीं है। अरे पद्मा सुनो तो सही। अरे अच्छा करते करते फल बुरा हो जाएगा, तुम्हारी दवाई इसके लिए पॉइजन है, पॉइजन। तब फिर ये तो अंडे खा लो। मुर्गी के हैं, ताकत बढ़ाते हैं।
हम तुमको चंगा करके रहेंगे। वाह, अब झुककर चल रहे हो धनुष की तरह, तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी चोर नहीं। खूब रही, एक मुर्गी से अंडा चुरा कर दूसरी मुर्गी खिला रहे। अरे चुप, इससे आगे कुछ कहा तो सर फूटेगा, काट देता हूं। ठीक है, समझा। लोखोड़ी दत्त ने आखिर समझा क्या? इतनी आसानी से जीत जाएगा बगुला भगत? ए सुनो, होशियारी से रहना है, पूछ तक चलना फिरना सब बंद, पैर स्लिप कर सकता है और कमर पर। अरे गोपी, ओ गोपी, देख साला फिर चोरी करने जा रहा है। चुप चुप। अरे साला, दो अंडे खिलाकर क्या मेरा मुंह बंद कर देगा क्या? अरे चुप, तीन दिन हो गए बच्चों के मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया, आज यहाँ से कुछ चुरा कर तब उनको खिलाऊंगा। अरे लेने आया तो मुझसे मांग मांग कर ले, हाथ पैर सलामत रहते, भीख क्यों मांगू। तुम्हारा थोड़े चुरा रहा हूँ, जो एक दिन सब कुछ हटेगा उसका माल थोड़ा कम कर रहा हूँ। जय काली कलकत्ते वाली। साले बैठा बैठा कर मार रहे हैं। ये क्या मालिक? हाँ खा रहे हो? कौन हराली खाना चाहता है, ये सब वो साले चोर उचक्के लोग खिला रहे हैं। अरे तुम कोई दूध पीते बच्चे हो कि ये लोग खिलाए और तुम खाओ? सच कहता हूँ मालिक, इस जिंदगी से नफरत सी हो गई है, साली खत्म ही नहीं होती, सब उन चोर उचक्कों के लिए घसीटते जाना पड़ रहा है। अरे बादशाह, अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तुम मर जा। अरे तुम मर जा, तुम मरता चुनी लूज के लेकर। लो प्रभु, ये वाइटामिन मेरा आखिरी वाइटामिन हो, यही दुआ करो। कौन है बे? कौन है साला घर में घुस के मारती चौनप्रात बुलाए? अरे जो आदमी खुद मरना चाह रहा है उसे कौन नहीं मरने दे रहा? अरे छोटा पकड़ कर खदेड़ दे बेटा। हाँ मुर्दे इस बुड्ढे को जिलाकर कौन देश की और मेरे बाप की शांति को भंग कर रहा है? कौन है जो देश का कानून और मेरे बाप के कानून को तोड़ रहा है? भारत। अरे मेरा बेटा युवा दल चला रहा है और सालों तुम सब लोग मिलकर मेरी छाती के ऊपर मूंग दल रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो सबके सब, ये सारा घर बाग बागीचा सब मेरे बाप का है। मेरे बाप ने औरों का माल मार कर खाया, लेकिन मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सकता, समझ गया बुड्ढे? सो तो ठीक है। गोपे, अबे गोपे, मार डाले मार डाले हराम जादे को, जब तक इस साला रहेगा तब तक मेरी मौत नहीं होगी। कहता है पूछ तक जिंदा रहो। पूछ नहीं जेठ, अभी तुमने कहा था पूछ तक? कहा था, लेकिन पद्मा ने कहा कि होते के साथ निकलना मुश्किल है, जब तक गर्दन सीधी नहीं हो जाती नहीं निकल पाएंगे। इसकी गर्दन पे? अरे इसका नया वारिस आ रहा बेटा। साला कैसा हरामी लड़का है रे, पक्की बात तो कही नहीं जाती, कभी कहता पूछ कभी कहता है। उसकी बात भी रह जाए आपकी भी, मुझे फागुन तक का टाइम दे। साला कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे, चल युवा दल चल, तेरा केस वहीं तय होगा। अरे रहने दे, मैं इसे ग्राम सुधार समिति में ले जाता हूँ। अरे जाओ, ये सब बुड्ढों की समिति का काम नहीं है, युवा का केस है, युवा दल में जाएगा। पद्मा रानी, अच्छा अच्छा अच्छा, तू ऐसा कर, तू इसे ले जा, मैं उसे ले जा। नहीं नहीं, नहीं तू इसे ले जा। अरे क्यों हुज्जत कर रहा है, वो तेरे कब्जे में नहीं आएगी, तू इसे ले जा। तुम बेकार की हुज्जत कर रहे हो, हट। पद्मा, अच्छा तो सुन, बाबूजी की उम्र ज्यादा है तो औरत को उनको ले आने दे। अबे कैसे भौंक देगा लूज के रेक्टर बाबूजी? अरे हाँ, मेरे पैसों से युवा दल चला रहा है तू, अगर मैं तुझे पैसे ना दूं तो तेरा ये युवा शुवा दल सब निकल जाए। अच्छा, अगर मैं अपने युवा दल का जोड़ तोड़ ना करूं
तो तुम्हारी ये ग्राम सुधार समिति कहीं की ना रहे। अच्छा तो सुनिए, बिटवा की उम्र कच्ची है तो लड़की को स्कूल जान दीजिए। हाँ गोपू माछा देखो भैया, अब तेरे और तेरी बीवी के पीछे युवा दल है, मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मैं न्यूज कैरेक्टर हूँ और तुम धर्मराज दृष्टि ना, ये खरी बाजार में भांडा फोड़ दूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन हटाता है इनको यहाँ से। अरे गोपू तू जानता है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ? हाँ। और ये भी जानता है कि क्यों? नहीं। तो करूँ पुलिस के हवाले? नहीं मालिक नहीं। तो तू ऐसा कर, बूढ़े को मार डाल। अच्छा कौन? अरे सुन 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 सुन, बड़े बूढ़ों को एक ना एक दिन वहां जाना पड़ता है, ये काम तू कर दे। अरे इसमें कहां का न्याय है ना। सुन देख, तू पद्मा तेरा बेटा सब मौत से रहेंगे, तू ये काम कर दे है? हो जाएगा ना? हो जाएगा। सुन, काम होने के बाद मैं तुझे और दूंगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। मेरा नाम भी गोपी है, गोपी। राम 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 राम। बहू ये देख तो मैं क्या देख रहा हूं, ये मेरे पीछे पीछे कौन चला आ रहा है? चम चम चम, लगता है तार के पेड़ जैसा लंबा, कभी बिल्कुल छोटा सा, सर से कान के बगल से गिद्ध उड़ गया। बहू बहू, मैं कब से कह रहा हूं कि जब से ये बागीचा लगाया है तब से एक भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम लोग कहते हो भूत नहीं होता, भूत होता है, भूत दिमाग में होता है। जब से मैंने ये बगीचा लगाया तब से एक काली अस्कुरी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है, लगता है चुप चुप तक यही चिपकी रहेगी, कितना ही खदेड़ू हटेगी नहीं, धरती पर जहां कहीं भी फसल होगी सब निकल लेगी। बहू ओ बहू, सो गई क्या? हाँ ऐसे में नींद तो आती है, तेरी बूढ़ी नानी ने भी पांच पांच लड़कियां जनी, साल के 9 महीने तक बुढ़िया सोकर ही काटती थी। बागीचे में चली गई थी इतनी रात को। अरे नाराज क्यों आ रही, नाराज क्यों हो रही है? मर जाऊंगा इसीलिए। अरे देखना मैं सेंचुरी पार कर दूंगा। तुम लोगों को मझधार में छोड़कर थोड़े ही जा सकता हूं। बहू पास आने, सर में बहुत दर्द है, जरा सहला देना। देखना अपने पड़पोते को गोद में लेकर तालाब के किनारे बैठकर धूप सेका करूंगा। अरे बहू मार डालेगी क्या? शरीर में इतनी जान तो नहीं? ला दो अंडे दे, आप बॉयल करके खाऊं, सारी जिंदगी तो खाया नहीं, अब आखिरी वक्त खा लूं। बहुत बहुत कौन हो तुम?
गोपू 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 गोपे अरे गोपे अरे मारा क्या नहीं मारा भाग गया कहाँ क्या कहा अरे अभी तुमने ही तो कहा भाग गया अरे मैंने तो कहा अरे मैंने कहा तेरे बाप ने अरे अब तू मेरा बाप कहाँ से हो गया आप तो मेरे माय बाप हैं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मालिक क्यों सुअर के बच्चे तुमने गोपी को पटाया नहीं 6,300 रुपीस गॉन टू द ड्रेन अरे अरे अभी भी तूने कुछ नहीं कहा लाश की बदबू ये लाश की बदबू कहां से आ रही है क्या हो रहा है नौकू भाई मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है अच्छी अरे बाप के ऊपर ही छींक दिया अरे मुख्तार ये ऐसे नहीं मरेगा हटिए मैं खत्म कर देता हूँ अरे कर सकोगे मैं ना कर सका तो मेरा ये नारियल करेगा नारियल हाँ नारियल इसी से काम होगा अरे क्या काम होगा जो होना है सो होगा मुंह काट रखा है देख रहे हैं हाँ बुड्ढे को 3 बार आवाज लगाऊंगा जैसे ही जवाब देगा चबाक करके मुंह पे दे मारूंगा उसके बाद ये पानी किसी आदमी को जाके पिला दूंगा उसके बाद गनफट इसे कहते हैं अंधेरे की पुकार अरे इससे आदमी मर जाता है मरता है बेटा इसे कहते हैं दुग्ध विद्या वशीकरण इसी तरह से मैंने भी यानी कि तेरे बाप ने भी कितने लोगों की जान ली है अच्छे बाप के ऊपर ही छींक दिया बाछा 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 जी मालिक हो गया अब बच के कहा जाएगा अब बच के कहा जाएगा उल्टा अरे सब कुछ उल्टा करवा दिया तूने मुझसे सारी लिखा पड़ी उल्टी करवा दी दो कौड़ी का मुख्तार है तू दो कौड़ी का अरे चल भाग यहाँ से और दो कौड़ी की तेरी मुस्तियारी अरे भाग भाग यहाँ से लूज कैरेक्टर रखू रखोड़ी बेटा इसे मत छोड़ना ये नारियल इसके सर पे मार इस बुड्ढे की नेचुरल डेथ नहीं होगी इसे आज खत्म कर डाल इसके पीछे लोगों की भीड़ जो आ खड़ी हुई है ये अब डंडा लेकर खड़ा हो गया है और यही डंडा अब ये घुमाएगा क्योंकि इसके डंडे को मैं पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ बेटा इसे छोड़ना मत इसे खत्म कर डाल इस बुड्ढे की नेचुरल डेथ नहीं होगी इसे मार डाल बेटा इसे मार डाल इसे खत्म कर इसे अब भी खत्म कर इसे छोड़ना मत बेटा इसे खत्म कर इसे मार डाल नहीं ये घी काफी है अच्छा ठीक है आशीर्वाद तो दीजिए अरे सदा सुहागन रहो पति के कर्म की अनुगामिनी बनो सदा सुहागन रहो क्या करूं पंडित जी इतनी मुसीबत में क्यों पड़ी हूँ सब किस्मत का फेर है माँ जी सब ग्रहों का फेर खैर सब ठीक हो जाएगा मैं जो आ गया हूँ इनके कारण मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती कुपित है जमींदार साहब के सारे ग्रह कुपित